नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जनपद में मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से अनियंत्रित होकर गलत दिशा में आए तेज रफ्तार टैंकर ने आगरा से नोएडा की ओर जा रही इनोवा कार को रौंद दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में सभी हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं। जींद शहर के मोहल्ला सफेदो निवासी मनोज अपने परिवार के साथ देर रात आगरा से नोएडा अपनी इनोवा कार से जा रहे थे। वह यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना नौजिल क्षेत्र में स्थित माइलस्टोन 61 के पास पहुंचे, तभी एक्सप्रेसवे टायर फटने से अनियंत्रित होकर गलत दिशा में पहुंचे। टैंकर ने इनोवा गाड़ी को रौंद दिया। हादसे में मनोज और उनकी पत्नी बबीता और बेटे अभय और हेमंत की मौत हो गई। इससे मोहल्ले में रहने वाले मनोज के रिश्तेदार कन्नू और उनकी बहन हिमांत्री के साथ ही इनोवा चालक राकेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इनोवा में 7 लोग ही सवार थे। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। एसपी देहात श्रीश चंद्र ने बताया कि जींद पुलिस को हादसे की सूचना दी गई है। टैंकर का टायर फटा है, जिससे लग रहा है कि टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर गलत दिशा में आ गया और इनोवा को रौंद दिया और यह दर्दनाक हादसा हो गया। जनपद मथुरा के थाना नौझील में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाजना कट के आसपास आज एक सड़क दुर्घटना हुई है 10:35 के आसपास, जिसमें आगरा की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर्स के दूसरी तरफ चला गया, जहां पर उस तरफ से आ रही एक इनोवा कार के साथ उसकी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप इनोवा में सवार 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। बीसीएन न्यूज़ के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की गांव असोड़ा में ब्लॉक प्रमुख बबीता सिंह ने अपनी कार्यनीति से आरसीसी रोड का निर्माण कार्य कराने पर आज लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उसका उद्घाटन कराया, जिसमें बबीता सिंह का पूरे गांव ने धन्यवाद किया। आपको बता दें कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में बबीता सिंह ने हर गांव हर क्षेत्र में अपने कार्यकाल और अपने कार्य निधि से नाली खड़ंजा सहित आरसीसी रोड का निर्माण कार्य किया है, जहां आज असोड़ा गांव में ब्लॉक प्रमुख बबीता सिंह ने एक आरसीसी रोड का उद्घाटन किया। वही थाना देहात के पीर बाबा तीन रास्ता का ब्लॉक प्रमुख बबीता सिंह 70 मीटर का उद्घाटन किया। वही 2 मई 149 मीटर जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए का कार्य अपनी कार्य निधि से किया गया। वही ब्लॉक प्रमुख को हापुड़ के लोगों ने फूलों की मालाओं से स्वागत किया। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत संदीप और मुनि आश्रम विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय से 2 छात्राएं रहस्यमय ढंग से गायब हो गयी। विद्यालय प्रबंधन तंत्र का कहना है कि गायब हुई छात्रा सुबह स्कूल बस से विद्यालय आई थी, लेकिन वापस छुट्टी होने के बाद वह बस से नहीं गई है, जबकि परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन तंत्र की लापरवाही के कारण दोनों लड़की गायब हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर पड़ताल शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए संदीप मुनि आश्रम विद्यालय प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों छात्राएं प्री प्लान के तहत विद्यालय से गायब हुई है। पुलिस उनका पूर्ण सहयोग कर रही है। अब देखना यह होगा कि मथुरा पुलिस कब तक छात्राओं का पता लगा पाएगी। मुझे मालूम पड़ा है कि कल बाहर गया हुआ था, ठीक है, आज मालूम पड़ा है कि स्कूल से कि मेरी लड़की वो कल से मिसिंग हो गई है, संदीप बनी स्कूल से, भूमिका घोष नाम है उसका। ये मामला कल का है, कल कक्षा 11 की 2 छात्राएँ हैं, वो स्कूल आई हैं, हमने अटेंडेंस में चेक किया है कि हाँ अटेंडेंस में है, और स्कूल में लंच टाइम तक उनको देखा गया है, लेकिन जब वो बस से आने जाने वाली विद्यार्थी हैं, लेकिन घर जाते समय हमारे बस वाले ने हमें बच्चों ने आपस में बताया कि 2 लड़कियां कम हैं, वो बस में नहीं चढ़ी हैं, तो हमने सूचना हमें मिली तो हमने खोजबीन शुरू की कि 2 बच्चियां कौन सी 2 बच्चियां गायब हैं, तो बच्चों ने आपस में बता दिया कि ये कि 2 लड़कियां जो बस में सुबह आई थी लेकिन वापस वो बस में नहीं चढ़ी हैं घर जाते समय, तो हमने उनके परिवार वालों को खबर दी। फिर परिवार वालों ने हमारे ऑफिस स्टाफ ने स्कूल स्टाफ ने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन ढूंढने के बाद भी जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली है तो फिर कोतवाली जाके उनकी विधिवत उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, और रिपोर्ट पुलिस ने भी काफ़ी सहयोग किया, रिपोर्ट दर्ज की पुलिस ने, तब से काफ़ी सहयोग किया, खोजबीन शुरू कर दी है।
बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शहर शिकोहाबाद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड माधवगंज का यह मामला है। बीती रात 1:30 बजे सुनील यादव पुत्र राम भरोसे लाल यादव के मकान के बाहर ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी हुई थी। वाहन स्वामी ने जब देखा तो मानो कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ट्रैक्टर की ट्रॉली गायब हो गई थी। तत्काल आनंद फानन में 112 नंबर पर डायल पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सीसीटीवी कैमरा से चोरी की जानकारी हासिल की। सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से चेक कराया लेकिन कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में पानी बचाओ अभियान को धरातल पर उतारने के लिए महुआ पहुंचे जल पुरुष की उपाधि प्राप्त करने वाले राजेंद्र सिंह राणा ने कबरई के रोशन सिंह बदन सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचकर छात्राओं को बेटी बचाओ के साथ जल बचाओ का भी नारा दिया गया। 7 दिवसीय एनएसएस कैंप के 5वें दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जल पुरुष राजेंद्र सिंह राणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर जागरूक करने के साथ ही पानी बचाओ का नारा देकर उपस्थित छात्राओं को जागरूक किया। आपको बता दें कि इस दौरान जल पुरुष ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। बुंदेलखंड कभी पानीदार था लेकिन अब पानी के संकट से जूझ रहा है, इसलिए बुंदेलखंड में कॉलेज के छात्र छात्राओं को साथ में लेकर पानी बचाने की मुहिम को लेकर अभियान शुरू किया है। वहीं परमार्थ सेवा संस्थान झांसी से संजय सिंह ने बेटी के बिना कल की कल्पना को बेईमानी बताया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाने बेटी पढ़ाने के साथ ही अपनी भावी पीढ़ियों के लिए जल को भी बचाना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में स्वीडन से पधारे पर्यावरणविद डॉक्टर रविकांत पाठक ने कहा कि उसकी बुंसी होती है बेटिया, जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटिया, बेटा रखेगा एक कुल की लाज दो दो कुलों की लाज रखती है बेटिया। डॉक्टर जगल किशोर पांडे ने कहा कि दो दो मात्राएं नरसी भारी नारी है। बुंदेलखंड एक जमाने में समृद्ध पानीदार क्षेत्र था, अब धीरे धीरे माइनिंग के कारण और ये जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ी है उसके कारण बेपानी होता जा रहा है। यहाँ के सब तालाब बावड़ी कुएं सूखते जा रहे हैं। यदि बुंदेलखंड बेपानी होगा तो बेपानी होकर उजड़ते हुए बुंदेलखंड के लोग अभी तो केवल प्लान करते हैं, जब पानी नहीं होता तो शहरों में जाते हैं, फिर पानी होता है तो वापस घर लौट जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति विस्थापित तो जैसी हो जाएगी, फिर वो एक बार यहाँ से उजड़ कर वापस पानी नहीं होगा तो नहीं आ पाएंगे। इसलिए बुंदेलखंड को पानीदार बनाने के लिए एक जल साक्षरता अभियान की शुरुआत आज सुबह हमने बुंदेलखंड के लिए की है। बीसीएन न्यूज के लिए मोहपा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।